लर्न फ्रॉम एवरी वन, फॉलो नो वन. ये नहीं कि किसी एक के रास्ता देख लिया और उसी पे चल दिए, भले ही शायद ऐसा रास्ता लेना पड़े विच इज लेस ट्रेवल्ड, ऐसी रोड, नॉट इवन ट्रेवल्ड एट ऑल, और नॉट इवन ट्रेवल एट ऑल, बट करो जो मन में आए वो करो. बट ये नहीं कि आंख कान बंद करके बस पागलों की तरह जा रहे हैं और ये भी नहीं पता कि कहां जा रहे हैं. एब्सोल्युटली, जब भी मेरी वीडियोस के एंड में कोई मैसेज आता है ना, तो उसके पीछे पूरी की पूरी एक थॉट प्रोसेस होती है. उसको आप कह सकते हो वो एक हिडन कोड है जिसको आपको सॉल्व करना है, एक पहेली के जैसा होता है वो. उसमें ये ही क्यों लिखा गया मिरेकल्स के एंड में कि लर्न फ्रॉम एवरीवन, फॉलो नो वन. बिकॉज अगर मैं कहता हूं किसी को भी फॉलो मत करो, तो इसका मतलब क्या है? आदमी खुले सांड के जैसा हो जाएगा. जो मन कर रहा है वो करो, जहां जाना है जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है. जैसे एक बच्चा है, उसको बोल दिया जाए फॉलो नो वन, तो वो क्या करेगा? कुछ भी उल्टे सीधे काम करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा. तो ये क्या है? बच्चों जैसी सोच है, फॉलो नो वन. इसके साथ में अगर जुड़ जाए लर्न फ्रॉम एवरीवन, ये क्या है? ये मैच्योर सोच है. ये आपको स्ट्रांग बना देगी, ये आपका बेस बनेगा. मतलब कुछ लोगों से नहीं सीखना, सबसे सीखना है. सबसे मतलब सबसे. तो इसका मतलब आप 24 घंटे सीख रहे हो, हर सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीख रहे हो. तो उससे क्या होगा? आप पूरी तरह से एक्टिव रहोगे. आलस जो है वो आपको छू भी नहीं पाएगा, आपका माइंड पूरी तरह से अलर्ट रहेगा. आप हर एक को देखोगे और कुछ ना कुछ सीखते चले जाओगे. जो सक्सेसफुल इंसान है उससे भी, और जो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है उससे भी. उसकी सोच से कुछ सीखोगे, उसके एक्शन से कुछ सीखोगे. हर इंसान को देखोगे, अच्छा इसने ये किया इस वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया. दो तरह के लोग हैं ना इस दुनिया में, एक वो है जो अपनी प्रॉब्लम से निकल ही नहीं पा रहे, एक वो है जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और बाकी बीच के लोग, प्रॉब्लम है भी नहीं भी है, वट एवर इट इज. तो आप हर तरह के लोगों से सीख रहे हो कि जो इंसान एक प्रॉब्लम में जाकर के फंस जाता है और निकल नहीं पाता है, एक तरह की सोच बना ली, एक बिलीफ बना लिया, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 50 साल हो गए, छोड़ नहीं पा रहा उस बिलीफ को, उसी में अटका पड़ा है. समझ पा रहे हो? वो बिलीफ कुछ भी हो सकता है, कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, सब चोर है, सब करप्ट है, कोई कुछ नहीं करता, सब सेल्फिश है. अरे तो भाई तू क्यों नहीं करता? पूछो उससे, सब में तू भी तो आ गया, तू क्यों नहीं करता? क्यों अपनी उंगली उधर कर रहा है? लेकिन उन्होंने अपना एक बिलीव बना लिया है, अब वो उसके बाहर चीजों को देख ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे. और ऐसे लोग ऐसे लोगों को भी नहीं देख सकते जो जेन्युइनली कुछ कर रहे होंगे, तो उनके खुद के करने का तो सवाल ही नहीं उठता. ऐसे ही किसी ने अपना कोई अपना बिलीव बना लिया कि भैया बिजनेस करना तो बड़ा मुश्किल है. एक बार कभी 20 साल पहले ट्राई किया था बिजनेस करने का, फेल हो गए. अरे भाई हर किसी के बस का नहीं है, मैं बर्बाद हो गया था बिजनेस करने के चक्कर में, कोई नहीं कर सकता. सब कहने की बात होती है, लाखों में कोई एक दो है जो कामयाब होते हैं. क्या फंडे हैं? कोई डेटा नहीं है, एक बिलीफ है. रियलिटी नहीं है, बिलीफ है. तो ऐसे लोगों से आप सीखो कि मुझे बिलीव्स के बेस पे नहीं जीना है, रियलिटी के बेस पे जीना है. बिलीव्स में नहीं उलझना है. आई एम द यूथ ऑफ दिस कंट्री, मुझे इन बिलीव्स में नहीं अटकना है, ना ही कोई नए बिलीव्स बनाने हैं. और अगर बिलीव्स बनाने ही है तो एटलीस्ट पॉजिटिव बनाने हैं. बेस्ट सिनेरियो क्या है? आप कोई बिलीव्स ही मत बनाओ, रियलिटी को एज इट इज देखो, हर सिचुएशन को एज इट इज देखो, सीखते चले जाओ, समझते चले जाओ, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते चले जाओ. यू विल बी हाइपर एक्टिव ऑल द डे. आप बच्चों से सीख रहे होगे, बड़ों से सीख रहे हो, सोचो कितना मजा आएगा ऐसे जीने में. और मैं कोई थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूं. यू गोइंग टू बी हाइपर एक्टिव ऑल द टाइम. हो सकता है बाहर से देख करके आपको ना लग रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसे मत सोचो कि अगर मैं अभी स्टेज पे जैसा हूं, इतने ऐसे ऐसे करके बोल रहा हूं, तो घर में भी ऐसे करता हूंगा. हाँ, ऐसा नहीं है. बेटे ये क्या डॉल के साथ में खेल रहे हो? बेटे ये क्या किया तुमने? मेरी चाय कहां पर है? ये खाना कैसा बनाया है? ऐसी हरकतें नहीं करता. विल बी सिटिंग साइलेंटली, बट इंटरनली यू नॉट बी लेजी. जो लेजीनेस है ना, ये मार रही है लोगों को. आलसी लोग हैं. प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, निकालते क्यों नहीं? आलसी, लेजी. थिंकिंग करने में जान डालनी पड़ती है ना, सोचने की ताकत नहीं है, पड़े हुए हैं, बोलते रहो बैठे बैठे, बड़ 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 कुछ नहीं चाहिए. ऐसे बहुत हैं इंडिया में, भरे बड़े हैं. इन लोगों से भी सीखो. क्या
कि ऐसा नहीं बनना है भाई। क्लियर हो गया कि मुझे अपनी ऐसी सोच नहीं डेवलप करनी है। इन्होंने क्या रास्ता पकड़ा जिस वजह से आज ये ऐसी दलदल में फंस गए? इनको खुद को ही नहीं पता है कि अपनी सोच की वजह से परेशान हो रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। ठीक है, और दूसरी तरफ से देखो ऐसे लोगों को जो हाइपर एक्टिव है, एजाइल है, ऐसे बनो, मजा आएगा जीने का। हर पल में कहीं से भी कुछ भी आप देख करके सीख जाओगे, समझ जाओगे, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते चले जाओगे, कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, सब कुछ क्लियर होगा। ये आदत बना लो, अभी आप बना सकते हो, आप लोगों की एज है, अभी भी नहीं बनाई कभी नहीं बनेगी। अभी थक गए, हमेशा के लिए थक गए, थके हुए घूमते रहोगे। अरे बहुत ऐसे थके हुए लोग, हारे हुए लोग, जिंदगी से हारे हुए, अरे क्या ये कॉलेज है यार, यहाँ नहीं लगना प्लेसमेंट, कुछ नहीं होना, यहाँ से निकल गए यार, ठीक है देखेंगे कुछ करेंगे, करूँगा बिजनेस करूँगा। आप उनसे भी सीखो, मैं ऐसे लोगों से भी सीखता हूँ, मर जाऊंगा ऐसा नहीं बनूंगा। सीखो, नेवर बी लेजी इंटेलेक्चुअल, बी हाइपर एक्टिव, देखते रहो, स्टिल रहो लेकिन देखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो चीजों को, दुनिया को। अपनी सोच का जो सेंटर पॉइंट है वो ये रखो कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन दुख ना हो, सिर्फ खुशियां हो। कैसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, मैं बोल रहा हूं आपको आकर के, मुझे किसी ने ये बात नहीं बोली थी, बोला दुनिया बहुत मुश्किल है, ये है वो है, जिंदगी जीना ये वो बकवास। मैं कह रहा हूं हो सकता है, यू कैन बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ऑल काइंड्स ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, यू कैन बी फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग, यस यू कैन बी फ्री, हो सकता है। कैसे होगा, इसकी शुरुआत कहां से होगी? यू नीड टू बी हाइपर एक्टिव अंदर से। और हाइपर एक्टिव किसे कहेंगे ये भी समझ लो, वो नहीं जो अंदर कुछ ना कुछ सोच रहा है, नहीं, नहीं, नहीं। वो जो देख रहा है वो हाइपर एक्टिव है। लोग देखते तो हैं लेकिन देखते नहीं है, ध्यान ही कहीं और होता है, ऐसा लगता है लोग हिप्नोटाइज्ड हैं, सुन रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं, कुछ कर रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं लेकिन कुछ सीख नहीं रहे हैं। क्या आप ऐसे बन सकते हो कि आप जो भी कुछ कर रहे हो आप पूरी तरह से वहां पर हो? पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से उस जगह पर, और जो भी इस मोमेंट की सच्चाई है वो आपके सामने खुद निकल करके आ जाए, तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इस दुनिया में वो झूठ की वजह से है, कुछ झूठ जिसको हम सच मान लेते हैं, उस झूठ की इंटेंसिटी अलग अलग है। छोटे झूठ को पकड़ा छोटा दुख हुआ, बड़े झूठ को पकड़ा बड़ा दुख हुआ, बड़े तक तो आदमी पहुंचता ही नहीं है, पहले छोटे छोटे झूठों से शुरुआत करो, देखो लोग कैसे झूठ में जी रहे हैं, सच की तरफ बढ़ो, देखो इस दुनिया का सच क्या है, इस बॉडी का सच क्या है, माइंड का सच क्या है, यहां तक कैसे पहुंचोगे, शुरुआत कहां से होगी? यहीं से होगी। अभी नहीं देखना शुरू किया आगे जाकर के क्या देखोगे, उलझे रहोगे कहीं ना कहीं। अरे भेड़ चाल में कोई काम किया भी तो क्या किया, सोचो, भेड़ चाल मतलब कि भेड़े चल रही है, उनके साथ चुपचाप चलते रहे, लो जी चल रहा हूं चल रहा हूं, यही लाइफ है क्या? यही लाइफ है? अरे भेड़ों का झुंड गया तेल लेने, मैं कोई भेड़ नहीं हूं, इंसान हूं, मेरे में दम है वो करने का जो अंदर से आ रहा है, ये लेकर के आओ अपने अंदर। भेड़ चाल को छोड़ दो एक बार हिम्मत करके, छोटी छोटी चीजों में छोड़ना शुरू करो, छोटी छोटी चीजों, थोड़ा सा कुछ ऐसा करने की सोचो जो और लोग ना कर रहे हो, कुछ अपने अंदर यूनिकनेस को डेवलप करो, उससे क्या होगा धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी।
जो फॉलो करने की आदत है वो चेंज होकर के क्या बन जाएगी? अपने अंदर की आवाज को फॉलो करने की आदत।